So now, student, we will discuss about small scale industries. That means हम लोग इसको SSI कहते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेरियस टाइप ऑफ टुगेदर ऑक्यूपाइंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी. तो क्या बोलो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारे देश में है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसका हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का. इसलिए इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज फेल्ट एंड एम्फेसाइज वॉज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ बाय द गवर्नमेंट. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़रूरत पड़ गया ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रेज इन अवर कंट्री बिकॉज गवर्नमेंट फेल्ड एंड एम्फेसाइज वॉज गिवन डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे रूरल एरिया में तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा. The role of small-scale industries was emphasized in the second five-year plan on the following five grounds. तो हमारे देश में जो second five-year plan था, first five-year plan नहीं, second five-year plan. तो ये second five-year plan में इसको initiate किया गया था. इसके बारे में second five-year plan में emphasized किया गया कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में बोला गया कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. किस लिए? द फॉलोइंग फाइव ग्राउंड्स, देर आर फॉलोइंग फाइव ग्राउंड्स, पांच कारण है उसका. नंबर वन क्या है? अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ पे? बेसिकली इन रूरल एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है. नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम मीन्स बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होता है वो अर्बन एरियाज में होता है, ठीक है. बट अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे रूरल एरिया में तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अर्बन एरिया में ही नहीं रहेगा, मतलब शहर में नहीं रहेगा, रूरल एरिया में भी रहेगा. तो इनकम दोनों साइड में अगर बढ़ेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. थर्ड क्या बोल रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल मीन्स मशीन हो या पैसा हो, जो भी हो, तुम्हारा ये मोबिलाइजेशन होगा, मतलब एक जगह से और एक जगह में मोबिलाइजेशन होगा. जहाँ जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग मशीन्स को, पैसा को हम लोग एक जगह से और एक जगह में लेके जाएंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़्यादा पैसों का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है. तो कैपिटल मोबिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगे, बट जो कि हेवी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. Entrepreneurial skill. तो entrepreneurial skill जो था वो ज़्यादातर शहर में दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री रहता है. तो entrepreneurial skill अगर small scale industries होगा तो वो entrepreneurial skills mobilization means एक जगह से और एक जगह में वो जा सकता है. इट्स कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. मतलब रूरल एरिया में भी जो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप होगा तो स्मॉल स्केल सेटअप होने से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चला जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? रीजनल डिस्पर्शन नहीं रहेगा अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप करेंगे. तो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है और किस एरिया में इंडस्ट्रीज कम है, तो ये क्या होता है, एक डिस्पर्स्ड हो जाता है. तो रीजनल जो डिस्पैरिटी है वो रीजनल डिस्पैरिटी को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या सेटअप करके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करके. तो ये फाइव पॉइंट्स था कि एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
अगर हम लोग बनाएंगे तो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़्यादा पैसों का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग किसी भी जगह में हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होगा, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, तो जो अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आ सकते हैं। कैपिटल मोबिलाइजेशन होगा, जहाँ पे पहले तुम्हारा कोई इंडस्ट्री नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वहाँ पे जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैपिटल वहाँ पे चला जाएगा, मशीन्स वहाँ पे मोबिलाइज होगा, ठीक है, पैसा वहाँ पे चला जाएगा, रिसोर्स वहाँ पे चला जाएगा, तो मोबिलाइजेशन होगा कैपिटल का। मोबिलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हम लोग एक जगह से और एक जगह में लेके जा सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ज़्यादातर शहर में दिखाई देता है वो हम लोग गाँव में भी लेके जा सकते हैं अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। एंड रीजनल डिस्पैरिटीज आ जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटी मीन्स जहाँ पे पहले बहुत कुछ था और कुछ जगह में कुछ भी नहीं था, वो डिस्पैरिटी जो है वो डिस्पैरिटी हम लोग हटा सकते हैं अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर्गूमेंट्स एंड फेवर्स।